हेलो फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। फ्रेंड्स, 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग 28 मई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई, जिसमें के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण के अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस, कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड सीनियर ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए जीएसटी से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस पर जीएसटी के रेट से रिलेटेड और जीएसटी लॉ से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। जिन व्यक्तियों ने जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की है उनके लिए लेट फीस को रिड्यूस किया गया है, यानी कि जीएसटी 3B जिन टैक्स पेयर ने फाइल नहीं की है जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के पीरियड के लिए, उनके लिए पहले लेट फीस 5,000 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 5,000 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम होती थी, जिसे कि अब रिड्यूस किया गया है। यानी कि यदि व्यक्ति ने जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं की है और उसकी कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं है, तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस होगी वो सिर्फ 500 rupees ही होगी, यानी कि 250 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एंड 250 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत पर रिटर्न। और यदि व्यक्ति की टैक्स लाइबिलिटी होती है तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस अब सिर्फ 1,000 rupees ही होगी, 500 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एंड 500 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यह रिड्यूस्ड लेट फीस तभी एप्लीकेबल होगी यदि टैक्स पेयर अपने जीएसटी 3B की रिटर्न इन टैक्स पीरियड के लिए, यानी कि जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के पीरियड के लिए फाइल कर देता है 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में। इसके अलावा फ्रेंड्स, सेक्शन 47 के अंतर्गत जो लेट फीस इम्पोज की जाती थी उसे भी रैशनलाइज किया गया है और टैक्स लाइबिलिटी और टर्नओवर के साथ लिंक किया गया है। यानी कि यदि व्यक्ति जीएसटी 3B या फिर जीएसटी 1 को लेट फाइल करेगा तो उस केस में मैक्सिमम लेट फीस पर रिटर्न कितनी होगी, इसके बारे में डिसीजन लिया गया है। यानी कि जिन टैक्स पेयर की नील टैक्स लाइबिलिटी होगी जीएसटी 3B में या फिर नील आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे जीएसटी 1 में, उनके लिए लेट फीस मैक्सिमम 500 rupees होगी, यानी कि 250 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 250 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। और जो दूसरे टैक्स पेयर होंगे यानी कि जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उनके लिए ये देखा जाएगा कि उनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में यदि 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो मैक्सिमम लेट फीस 2,000 rupees होगी, 1,000 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 1,000 एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। यदि टैक्स पेयर की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ से एक्सीड कर रही है लेकिन 5 करोड़ रुपीज तक है तो लेट फीस मैक्सिमम 5,000 rupees ही होगी, यानी कि 2,500 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एंड 2,500 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से एक्सीड कर जाती है तो लेट फीस मैक्सिमम 10,000 rupees होगी, 5,000 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 5,000 एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। इसके अलावा कंपोजिशन टैक्स पेयर को GSTR-4 फाइल करनी होती है, इस केस में मैक्सिमम लेट फीस 500 rupees होगी यदि टैक्स लाइबिलिटी निल है, यानी कि 250 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 250 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। लेकिन यदि टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो उस केस में 2,000 rupees मैक्सिमम लेट फीस होगी, यानी कि 1,000 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 1,000 एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है। यदि टैक्स पेयर जीएसटी 7 को लेट फाइल करता है तो उस केस में अब उसे लेट फीस पे करनी होगी 50 rupees पर डे, 25 rupees सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत और 25 rupees एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत है, और मैक्सिमम लेट फीस 2,000 rupees होगी, यानी कि 1,000 सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत एंड 1,000 एसजीएसटी एक्ट के अंतर्गत। ये सभी प्रपोजल प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड से एप्लीकेबल होंगे, यानी कि बैक डेट से एप्लीकेबल नहीं होंगे।
इसके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड रिलीफ मेजर भी दिए गए हैं। पहले ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था 1 मई 2021 को, जिसमें के कुछ रिलीफ मेजर टैक्सपेयर को प्रोवाइड किए गए थे। इसके अलावा रिलीफ मेजर प्रोवाइड किए गए हैं स्मॉल टैक्सपेयर के लिए, यदि एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज तक है तो मार्च एंड अप्रैल 2021 के टैक्स पीरियड के लिए रिलैक्सेशन है। यदि व्यक्ति GSTR 3B को ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा या PMT 6 को, तो उस केस में उसे फर्स्ट 15 डेज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना है मार्च 2021 के पीरियड के लिए, और उसके बाद उसे 9% इंटरेस्ट देना है फर्दर 45 डेज के लिए, और अप्रैल 2021 के लिए फर्स्ट 15 डेज के लिए नील इंटरेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट देना होगा। इसके अलावा यदि व्यक्ति GSTR 3B को लेट फाइल करता है मार्च या क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 के लिए या अप्रैल 2021 के लिए, तो उस केस में लेट फीस को वेव किया जाएगा 60 डेज के लिए मार्च और मार्च एंडिंग 2021 के लिए, और अप्रैल 2021 के लिए 45 डेज तक ये लेट फीस माफ़ रहेगी। कंपोजिशन टैक्सपेयर को CMP 8 में टैक्स पे करना होता है, तो उस केस में भी नील रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फर्स्ट 15 डेज के लिए, और उसके बाद 9% इंटरेस्ट होगा फर्दर 45 डेज के लिए। क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 के लिए यह रिलैक्सेशन कंपोजिशन टैक्सपेयर को दी गई है CMP 8 से रिलेटेड। इसके अलावा मई 2021 के टैक्स पीरियड के लिए रिलैक्सेशन दी गई है, यदि टैक्सपेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज तक है, यानी कि यदि वो GSTR 3B या PMT 6 में चलान को लेट फाइल करेगा, तो उस केस में फर्स्ट 15 डेज के लिए नील इंटरेस्ट होगा, और उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज के लिए 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यदि व्यक्ति GSTR 3B को लेट फाइल करता है मई 2021 के लिए, तो फर्स्ट 30 डेज के लिए ड्यू डेट के बाद उसे लेट फीस से वेवर दिया गया है, यानी कि लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। यदि लार्ज टैक्सपेयर है जिसकी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है, उस केस में भी मई 2021 के लिए GSTR 3B यदि वो ड्यू डेट के बाद फाइल करेगा, तो सिर्फ उसे 9% इंटरेस्ट पे करना होगा फर्स्ट 15 डेज के लिए, और इस केस में लेट फीस से भी वेवर दिया गया है फर्स्ट 15 डेज के लिए। ड्यू डेट के बाद GSTR 3B यदि टैक्सपेयर फाइल करेगा, तो उसे कोई लेट फीस पे नहीं करनी है मई 2021 के लिए। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से कुछ और रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि मई 2021 के लिए GSTI-1 या इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी को फाइल करने के लिए ड्यू डेट फर्दर 15 डेज के लिए और एक्सटेंड की जाएगी। इसके अलावा GSTR-4 कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर को फाइल करनी होती है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, इसकी ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2021 की जाएगी। ITC-4 फाइल करने के लिए क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021 के लिए ड्यू डेट 30 जून 2021 की जाएगी। रूल 36 अब रूल 4 के अकॉर्डिंग यदि सप्लायर इनवॉइस अपलोड नहीं करता है, तो रिसिपियंट 5% एक्स्ट्रा ITC ही क्लेम कर सकता है एलिजिबल ITC का। अब ये कंडीशन क्यूमुलेटिवली देखी जाएगी अप्रैल मई एंड जून 2021 के लिए। कंपनीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ रिटर्न फाइल करने की फैसिलिटी एक्सटेंड की जाएगी 31 अगस्त 2021 तक। इसके अलावा GST ऑफिसर या किसी भी टैक्सपेयर के द्वारा यदि कोई एक्शन लेना था 15 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 के बीच में, तो उसके लिए भी अपडेट एक्सटेंड करके 30 जून 2021 की जाएगी। इसके लिए कुछ एक्सेप्शन भी होंगी। इसके अलावा यदि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाइमलाइन एक्सटेंड की गई हैं, तो वो एप्लीकेबल होंगी GST एक्ट के अंतर्गत भी। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एनुअल रिटर्न के लिए सिंप्लीफिकेशन किया गया है, यानी कि अब टैक्सपेयर को यदि ऑडिट होना है GST एक्ट के अंतर्गत, तो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि GSTN 9C चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, अब उसे सेल्फ सर्टिफाई करके फाइल कर सकता है। यह चेंज फाइनेंशियल ईयर 2021 से एप्लीकेबल होगी, और इसके साथ ही GSTN 9 या 9A फाइल करने की जो ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो दी गई है टैक्सपेयर को, यदि एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपीज तक है, तो उस केस में ये ऑप्शनल होगा कि वो GSTN 9 यानी कि एनुअल रिटर्न या GSTN 9A कॉम्पोजिशन टैक्सपेयर के लिए फाइल करें।
इसके साथ ही रिकंसिलेशन स्टेटमेंट यानी कि जीएसटीएन 9C फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तभी फाइल करनी है यदि टैक्स पेयर की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज से एक्सीड कर जाती है। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इंटरेस्ट पे करना होता था, यदि व्यक्ति डिले करता है टैक्स को पे करने में तो ये इंटरेस्ट नेट टैक्स लाइबिलिटी के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट को एडजस्ट करने के बाद। यह चेंजेस 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल होगी, इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा अप्रूवल दी गई है यानी कि GSTR1 और GSTR3B जो रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसे डिफॉल्ट रिटर्न फाइलिंग सिस्टम माना जाएगा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। फ्रेंड्स, कोविड-19 से रिलेटेड लीव दिया गया है गुड से रिलेटेड यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट या फिर डायग्नोस्टिक मार्केट टेस्ट किट यदि परचेज की जाती हैं तो उस केस में यदि पेमेंट बेसिस पे भी इंपोर्ट की गई हैं तो फुल एग्जम्पशन दी गई है IGST से। यदि ये डोनेट की जाती हैं गवर्नमेंट को या फिर स्टेट अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पे किसी भी रिलीफ एजेंसी को, ये एग्जम्पशन 31 अगस्त 2021 तक वैलिड रहेगी। अभी तक ये एग्जम्पशन तभी मिलती थी यदि गुड्स इम्पोर्ट की गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अभी एग्जम्पशन भी 31 अगस्त 2021 तक एप्लीकेबल होगी। अभी तक गुड्स को एग्जम्प्ट किया गया था सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी से, अब IGST से भी एग्जम्पशन दी गई है। इसके अलावा ब्लैक फंगस केस को देखते हुए IGST के एग्जम्पशन एम्फोटेशन बी को भी एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है ताकि वो इंडिविजुअल आइटम पे भी डिसीजन ले सकें जिन्हें की एग्जम्पशन दी जाएगी। इसके लिए रिपोर्ट 8 जून 2021 तक सबमिट की जाएगी इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। इसके अलावा GST के रेट रिड्यूस किए जाएंगे DEC टैबलेट पे, पहले रेट 12% थे अब उन्हें 5% किया जाएगा। और GST एक्ट के अंतर्गत कुछ क्लैरिफिकेशन इशू किए जाएंगे जिसमें से के कुछ मेजर क्लैरिफिकेशन है कि यदि गुड्स को रीइंपोर्ट किया जाता है रिपेयर के बाद तो रिपेयर वैल्यू पे IGST कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्लैरिफाई किया जाएगा कि स्प्रिंकलर या ड्रिप इरीगेशन सिस्टम पे GST के रेट 12% ही होंगे यानी कि भले ही इन आइटम को सेपरेटली सेल किया जाए तब भी ये रिड्यूस्ड रेट एप्लीकेबल होंगे। इसके अलावा सर्विसेज से रिलेटेड भी डिसीजन लिए गए हैं यानी कि यदि फूड और मिड डे मील सप्लाई किया जाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को या आंगनवाड़ी को तो उस केस में ये GST से एग्जम्प्ट रहेगा भले ही सप्लाई गवर्नमेंट ग्रांट से की जाए या फिर कॉरपोरेट डोनेशन से। इसके अलावा यदि सर्विस प्रोवाइड की जाती है एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जहाँ पे कि फीस भी चार्ज की जाती है, इन एग्जामिनेशन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या फिर सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड के द्वारा तो उस केस में भी GST से एग्जम्पशन रहेगी। यदि डेवलपर लैंड ओनर से GST चार्ज करता है जब वो अपार्टमेंट ट्रांसफ़र करता है तो उस केस में अब लैंड ओनर के लिए क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकता है यदि GST ऑलरेडी डेवलपर प्रमोटर के द्वारा पे कर दिया गया है। इसके अलावा डेवलपर प्रमोटर GST पे कर सकता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले या फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के टाइम पे। एविएशन सेक्टर में MRO यूनिट को जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वही शिप्स एंड वेसल को प्रोवाइड की जाएगी यानी कि MRO सर्विसेज यदि शिप्स एंड वेसल से रिलेटेड दी जाती हैं तो अब GST के रेट 5% होंगे 18% के बजाय। और प्लेस ऑफ सप्लाई B2B के लिए देखी जाएगी कि लोकेशन क्या है रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज की। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है मिलिंग ऑफ वीट एंड पैडी इंटू फ्लोर और राइस, और यदि ये गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को दी जाती है ताकि वो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें PDS स्कीम के अंतर्गत तो उसे GST से एग्जम्पशन दी जाएगी यदि गुड्स की वैल्यू 25 सेंट से ज़्यादा नहीं होती है और यदि ये वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो उस केस में 5 सेंट GST के रेट होंगे। यदि ये सप्लाई की जाती है GST रजिस्टर्ड व्यक्ति को या फिर उस व्यक्ति को भी जो कि GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है TDS पेमेंट करने के लिए,
यदि रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए एन्युटी पेमेंट रिसीव की जाती है डेफर्ड पेमेंट के तौर पे, तो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी बनेगी। इसके अलावा यदि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट एंटिटी को कोई सर्विस दी जाती है तो उस पर भी जीएसटी के रेट 18% होंगे। और यदि गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर्विस प्रोवाइड करती है लोन की गारंटी देने के लिए, तो उस केस में ये सर्विस जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगी। फ्रेंड्स, ये सभी डिसीजन तभी एप्लीकेबल होंगे जब गवर्नमेंट सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी कर देगी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। फ्रेंड्स, आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, आईटीएटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।